तो गाइस रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर के मैच के बेटिंग ऑड्स निकल के सामने आ चुके हैं। एंड गाइस कौन है फेवरेट, इसके बारे में बात करेंगे। एज ने भी रिसेंट में बहुत सारी बातें कही हैं, उनकी रिटायरमेंट के बारे में, जजमेंट डे के बारे में, और भी अपडेट्स है वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले अलेक्सा ब्लिस से बातों को शुरू करेंगे। एंड क्या अलेक्सा ब्लिस NXT में जा रही है? वेल, अलेक्सा ब्लिस रिसेंट में ऐसा कुछ टीज कर देती है अपने ट्विटर इंस्टाग्राम के थ्रू। अलेक्सा ब्लिस गाइस क्या करती है, अपनी NXT वाली एक फ़ोटो पोस्ट करती है। एंड गाइस इसके नीचे का कैप्शन काफ़ी देखने वाला होता है। कैप्शन में वो लिखती है यहाँ पर से, Day 1, इफ़ आई कुड गो बैक वॉट वुड आई टेल हर। मतलब यहाँ पर वो जो है कहती है कि पीछे जाने के बाद क्या चीज़ें होगी। तो क्या इससे अलेक्सा ब्लिस अपना NXT का जो है रिटर्न या फिर कुछ जाने का NXT में टीज कर रही है? क्या वो मैंडी रोज की तरह NXT में जाएगी? वेल, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। बाकी ये फ़िलहाल कुछ बातें थी। और रेसलमेनिया की Night 1 की टिकट सेलिंग बता दूँ कि गाइस 51,000 टिकट्स यहाँ पर लगाई थी टिकट्स, और इसके अंदर जो है 49,000 जो है सोल्ड आउट हो चुकी है, 1,000 बची हैं। और Night 2 की बात रही तो 51,000 टिकट सेलिंग के लिए थी और 50,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। एंड जो 1,000 टिकट्स फिलहाल अवेलेबल है, तो ये कुछ रेसे महीने की टिकट सेलिंग की बात ही थी। बाकी बात करते गए गंतर के बारे में, तो गंथर ने गाइस कुछ कमाल की बातें कही है। उन्होंने कहा कि NXT UK में एक एम्प्टी हॉल में रेसल करना सच में काफ़ी अच्छी चीज़ थी, वो जो है काफ़ी अच्छा भी था, लेकिन जब मेन रोस्टर पर फैंस के सामने रेसल करना है सच में काफ़ी कमाल की चीज़ है और ये सबसे बेटर एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ गाइस बातें अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन गंथर कैसे फैंस के सामने लड़ने काफ़ी कमाल की चीज़ होती है। एंड एम्प्टी हॉल्स मतलब ये कुछ NXT UK के बारे में बात की अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन ने। बाकी मैंने आपसे कहा था कि एक सुपरस्टार रिलीज है, तो गाइस रिलीज सुपरस्टार है जेफ जैरेट जी। हाँ गाइस, जेरो न्यूज़ इसके ऊपर अपडेट देता है। एंड PW इंसाइडर भी कहते हैं कि जो है जो जो जेफ जैरेट है उनको WWE ने रिलीज़ कर दिया है। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन जेफ जैरेट को जो है फिलहाल WWE ने रिलीज़ कर दिया है। और ये फ़िलहाल कुछ जेफ जैरेट के बारे में बात थी, और जेफ जैरेट हो चुके हैं कंपनी से रिलीज़। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। और गाइज नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है इस बार द क्वीन शार्लेट फ्लेयर के बारे में। एंड शार्लेट फ्लेयर गाइज रिटर्न के ऊपर अपनी बात करते हैं। एंड वो कहते हैं कि मैं जो हूँ अपने रिटर्न करने के लिए एक नई लेयर में ऐड करने वाले हूँ, जिसके अंदर मैं मेरे हेयर को चेंज करने वाली हूँ, हेयर कलर को चेंज करने वाली हूँ, मेरी बॉडी फिजिक को भी चेंज करने वाला हूँ, उस पर भी काम करने वाला हूँ। इतना ही नहीं, मैं मेरे नए रिंकल्स भी लाने वाली हूँ और मुझे रिटर्न एक अलग तरीके से करना है। एंड मैं यहाँ पर से जो हूँ एक अलग लेयर मेरे ऊपर जो है अभी मैं लाने वाली हूँ। एंड गाइस ये कुछ बातें शार्लेट फ्लेयर हमें रिसेंट में कहते हुए दिखाई देते हैं। एंड कुछ अलग फ्रेश चीज़ें हमें शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न के बाद दिखाई दे सकती हैं। एंड कैरेक्टर के साथ भी कुछ मे बी कुछ WWE चेंज वगैरह कर सकती है। तो अब बस वेट करो कब शार्लेट फ्लेयर का एक नए अंदाज के साथ WWE में फिर से एक बार कमबैक होता है। और गाइस हम लोग बात करते हैं सेकेंड लास्ट अपडेट की, जो कि जुड़ी है गाइज रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। एंड एज ने बहुत बहुत सारी बातें कही है रिसेंट में। एज सबसे पहले गाइज जो इंटरव्यू में बात करते हैं उनके क्रिश्चन के दोस्ती की। एज एंड क्रिश्चन रियल लाइफ में काफ़ी कमाल के फ्रेंड्स हैं, और एज कहते हैं कि अभी भी हम दोनों एक जो है काफ़ी कमाल के फ्रेंड्स हैं और हमारी फ्रेंडशिप जैसी थी वैसी है, और हम दोनों अपनी अपनी जगह पर जो है काफ़ी खुश है। मतलब क्रिश्चन AEW में खुश है एंड एज WWE में खुश है। तो ये गाइज एज जो क्रिश्चन के बारे में भी बात करते हैं, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं। और एज अब बात करते हैं कि जजमेंट डे से उनको क्यों निकाला गया एंड क्यों जजमेंट डे से वो बाहर हो गए। एज कहते हैं गाइस इसके पीछे जो है मेरे इंजरी का रीज़न था और यही रीज़न बना, और मैंने जो है जजमेंट डे से मुझे जो है बाहर निकाला पड़ा, और मुझे बाहर निकाला जजमेंट डे से। और
बाद में इसके अंदर आपको पता है फिन बैलर भी ऐड हो गए। एंड ये कुछ बातें जो कि गाइस जजमेंट डे के रिगार्डिंग हमें जो है एज बात करते हुए दिखा देते हैं कि आखिरकार क्यों उन्हें जो है जजमेंट डे से निकाल दिया। सभी का कहना था एंड कुछ सुपर नेचुरल पावर्स वगैरह ये भी कुछ रीज़न था, लेकिन ये कुछ रीज़न नहीं है। और फाइनली एज अपनी बात करते हैं रिटायरमेंट की, WWE से रिटायर्ड होने की, तो एज कहते हैं मैं अभी जो चीज़ें कर रहा हूँ वो जो है काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें, एंड मैं जो बहुत जल्द रिटायर्ड भी इस चीज़ से होने वाला हूँ, इसलिए मैं WWE में हर एक चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। एंड एज का इस बात को कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द रिटायर्ड होने वाले, लेकिन सच में भाई रिटायरमेंट एक बार होने के बाद भी सुपरस्टार ये बंदा कंपनी में वापस आता है इतने डेंजरस नेक इंजरी के बाद, एंड अब जाके एक फुल टाइमर की तरह रेसल कर रहा है। मतलब कौन कहेगा कि एक WWE हॉल ऑफ फेमर, एक WWE लेजेंड है जो कि एक करंट सुपरस्टार की तरह एक्टिव है। तो सच में भाई एच काफ़ी कमाल के सुपरस्टार है। बाकी गाइस हम लोग फाइनली बात करते हैं रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर के मैच के बैटिंग ऑर्डर्स के बारे में। बैट ऑनलाइन की तरफ से इसके ऊपर बैटिंग ऑर्ड्स आते हैं, एंड गाइस अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर से बैटिंग ऑर्ड्स चेंज हुए हैं। और गाइस पहले जो इक्वल ऑर्ड्स थे वो फेवरेबल है रोमन रेंस के साइड, एंड रोमन रेंस फेवरेट है गाइस अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए। तो ये फिलहाल गाइस कुछ बैटिंग ऑर्ड्स थे, बाकी देखते क्लैश ऑफ द कैसल में क्या होता है, कौन जीतता है, आपकी प्रेडिक्शंस कमेंट में बताना। फिलहाल आज की वीडियो बस इतनी सी थी, लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।